गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, हम टैब टीम की तरफ से आप सभी को स्वस्थ रहे, मस्त रहे का संदेश सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम से हम सब जूझ रहे हैं देश में, जो आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, जिसके कारण हम सब क्वारंटाइन हैं, घर में हैं। और इसी के लिए हमारी स्कूल्स, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस कुछ भी अभी नहीं चालू हो पा रहा है, जिसके कारण हमारी संस्था ने मिलके एक कदम उठाया है कि हम आपको घर पे ही जितना हो सके उतना सिलेबस और कोर्स कंप्लीट कराएं। उसी के चलते मैं आज यहाँ हूँ आप लोगों के सामने। जितने भी हमारे टैब स्टूडेंट्स हैं टेंथ क्लास के, उन लोगों से एक या दो लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने जिस टॉपिक पे बात की थी, उसी टॉपिक को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा सा आज के दिन वही फिर से अपन रिकैप करते हैं कि अपन ने क्या क्या चीज़ों पे बात की थी। दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी इस वर्ड को, इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को हम डिफाइन कर सके। फर्स्ट थिंग दैट इज चार्ज। यू शुड नो व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए चार्ज क्या है, क्योंकि यही वो है जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है, या इलेक्ट्रिसिटी जो चीज है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है, या इसके ही चलने पे हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो नाउ व्हाट इज चार्ज। चार्ज इट इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल। एक तरीके के पार्टिकल है जो खुद में एक एनर्जी पोजेस करते हैं, जो खुद में अपने पास, अपनी खुद की उनके पास एक एनर्जी होती है। दैट एनर्जी इन द पार्टिकल वी कॉल इट एज चार्ज। अब इनका काम क्या है। इनका काम यह है कि मान लीजिए अगर हमने एक वायर ले लिया, नाउ दिस इज द वायर ए बी, हमने इस पॉइंट पे चार्ज दिया। नाउ चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। देयर इज टू टाइप ऑफ चार्जेस, मींस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्यू, बड़ा क्यू इज द बंडल ऑफ चार्ज, स्मॉल क्यू इज अ पॉइंट चार्ज। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट एट राइट नाउ एट अ मोमेंट, बिकॉज हायर स्टडीज में जाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। बेसिक पे अगर अपन बात करें नाउ, तो अगर ये चार्ज हमने किसी पॉइंट पे दिया, चार्जेस दिए किसी पॉइंट पे, दैट इज ए, तो देखिए दुनिया में आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, हर चीज हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब हम ताकत से उसे भेजते हैं, और कोई भी चीज अगर जनरली चलती है तो इट ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब अगर हमने पानी को छोड़ा किसी पहाड़ पे से या किसी ऊंचाई पे से, तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। कभी पानी अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकता विदाउट एनी फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ वर्क। बेस्ट वर्ड इज वर्क, ठीक। तो अगर हमने यहाँ पे ए पॉइंट पे चार्जेस दिए, तो ऑब्वियस बात है कि ए पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा, ये हायर पे आ गया। अब बी पॉइंट पे कुछ नहीं, बी सिंपल है, अभी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं दे रखा हमने, तो ये लोअर लेवल पे है। ऑब्वियस बात है कि फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल हमारा चार्ज क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, चार्ज चलने लगेगा, ठीक। नाउ लेट्स सपोज चार्ज क्यू इज मूविंग एंड एनीथिंग व्हिच इज चेंजिंग और व्हिच इज मूविंग, इट ऑलवेज मूव्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाइन्थ में भी हमने पढ़ा बहुत अच्छे से कि कोई भी चीज चलती है तो वो चलती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा चलती है, और हम हमेशा मानते हैं कि कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में ही चलती है। सो क्यू इट इज गोइंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक। द चार्ज फ्लोज विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब जब हम इसे लिखते हैं तो वी से एज चार्ज अपॉन टाइम। नाउ चार्ज अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड आई, एंड आई हियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
अब इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा मैं आपको इसको डिफाइन कर दूं और अच्छे से। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कोई भी चीज करंट मींस अभी जो चल रहा है, तो जब चार्ज चल रहा है किसी कंडक्टर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी कॉल इट एज चार्ज अपॉन टाइम एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज इज डिनोटेड बाय कूलम एंड टाइम इज डिनोटेड बाय सेकेंड। सो द यूनिट, ये इनकी यूनिट है एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर बिकॉज कूलम्ब बाय सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई भी चीज में, कोई भी कंडक्टर में, कोई भी वायर में अगर किसी तरीके का चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो हमेशा फ्लो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो चार्ज अलग अलग होता है, मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट में भी, ज्यादा वैल्यू में भी चार्ज हम किसी चीज में डाल सकते हैं, कम वैल्यू में भी चार्ज हम किसी चीज में डाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं 10 एम्पीयर का करंट जा रहा है, हम बोल सकते हैं 50 एम्पीयर का करंट जा रहा है, इट डिपेंड्स। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। मतलब किसी चीज में जितना ज्यादा हम चार्ज को डालेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा करंट चलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये ऑलरेडी अपना क्लास में कंप्लीट हो चुका था टॉपिक, बट फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। द नेक्स्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज द टू थिंग्स टुगेदर, देयर इज स्लाइटली कंफ्यूजन बिटवीन टू बट आई विल एक्सप्लेन इट, दैट इज पोटेंशियल और मे बी यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वन थिंग एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों में सब कुछ सेम है, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द टर्म व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन वी से कि कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जा रहा है। दैट मींस वी नो द डिस्टेंस, वी नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू पॉइंट्स। इट मींस कि ए और बी के बीच में कितना अंतर है वो हमें एग्जैक्टली पता है, then we call it as electric potential। अब होता क्या है पहले समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे चार्ज दिया, जैसे अभी इसके पहले अपन बात कर रहे थे, ठीक, आपने इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे चार्ज दिया, that means this is on higher level, so we call it as higher potential। ठीक, अब B no charges there, so that is why it is at exactly lower potential। It is at higher potential, it is at lower potential। So when the charge goes from this point to this point, there should be a work done। देखो कोई भी चीज चलती है, हम भी चलते हैं अगर, तो हम खुद पे वर्क कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं खुद को लेके जाने के लिए। मतलब कोई भी चीज अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो there should be a work, work होता ही है। तो that work which is done here to move a charge from point A to point B, that work is done directly by charge, क्योंकि वो चार्ज ही खुद वर्क करेगा वहां पे, और कोई तो आ नहीं रहा एनर्जी देने के लिए। सो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, यहां पे हम लिखेंगे वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखो वन पॉइंट टू अनदर दैट मींस कि वी नो द स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के लिए हम जब लेके जा रहे हैं, ठीक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इज कॉल्ड सॉरी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। नाउ सी, चार्ज को लेके जा रहे हैं, मूव क्या हो रहा है, चार्ज क्यू, ठीक। अब चार्ज ही खुद पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सो वी राइट इज एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय वी इज W, that is work done upon charge. So V is equal to work done, that is W, charge is Q. It is the formula for potential, electric potential. It is the formula for electric potential difference also. No change in the formula, same formula. But dono mein farak kya hai main bataunga, pehle ek cheez samajh lijiye. So, अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक हमने चार्ज मूव किया, चार्ज मूव करने के लिए हमें एक वर्क लग रहा है, दैट वर्क इज W, वर्क डन। अगर भाई चार्ज वर्क कर रहा है, किस पर वर्क कर रहा है, खुद को ले जाने के लिए वर्क कर रहा है, दैट मींस वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, मतलब चार्ज खुद ही को ले जाने के लिए क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो जितना वर्क कर रहा है खुद के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जब दो पॉइंट के बीच में होगा, फ्रॉम पॉइंट A टू B, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। ये वापस लिख देंगे अपन, जब ये दिस इज इंफिनिटी, हमें पता नहीं कि कहां से आ रहा है, कितनी दूर है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट श्योर एट ऑल, ठीक, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां तक उसको पहुंचना है। और फिर वही बात, क्यू मूव हो रहा है, क्यू के ऊपर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक। तो जब भी इंफिनिटी से हम चार्ज को उठा के लाएंगे, कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक, तो दैट वर्क विच इज डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दोनों में फर्क समझो, फिर बता रहा हूं, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट हमको डिफाइंड है, मतलब वी नो द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स, एट दैट टाइम इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हेन वी आर मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। नाउ फिर से एक बार लिख देते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस denoted by V is equals to W by Q. Now, unit of W, that is joule, unit of Q, that is coulomb. Now, joule by coulomb is called as volt. So, the unit of V is directly volt. Now, we can say ki 1 volt is equal to 1 joule work is done on the 1 coulomb of charge. जब 1 volt हम कब कहेंगे? जब 1 joule work होगा 1 coulomb charge पे, मतलब 1 joule work किया 1 coulomb charge को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, then we call it as 1 volt work is done. ठीक, clear? Any queries you have related to topic, you can ask directly me on WhatsApp or you can comment on the video. I will reply it directly to you. Okay? Next, thoda aur par aage badhe. देखो, चार्ज चलता है, एक चीज आपको समझ में आई होगी, चार्ज चलता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। यहाँ पे आपने चार्ज दिया, ये मूव हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब देखो, दोनों पॉइंट हमारे पास स्पेसिफिक है, तो वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो दोनों पॉइंट हमारे पास है। अब देखो, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल आप यहाँ डेवलप करोगे, मतलब जितना ज्यादा आप यहाँ चार्ज दोगे, उतना ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, उतना ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा तेजी से करंट इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक। अब जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, दिखती बात है ना, वोल्टेज ज्यादा कर, मतलब हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कभी, जितना जो जितना ज्यादा हम करंट, जितना ज्यादा हम चार्ज डालेंगे और जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक, अब ये एक चीज समझिए कि यहाँ पे हमने एक कंडक्टर बनाया, ठीक, यहाँ से हमने उसको करंट को फ्लो कराया, अब करंट इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच रहा है क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, सो वी कॉल इट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे अलग 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 छोटे 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 करंट फ्लो हो रहे हैं, तो एट दैट पर्टिकुलर पूरी जगह पे इट इज इलेक्ट्रिक करंट, एट दैट पूरी जगह पे जब बहुत सारे करंट एक साथ वर्क करते हैं वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द पर्टिकुलर बहुत सारी जगह बहुत सारे एरिया में वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, नाउ अब कुछ चीजें समझ लीजिए कि ये जो करंट है ये किन चीजों में बहता है, किन चीजों में नहीं बहता है, क्या क्या इसके कंडीशंस है ना। फर्स्ट वन वी कॉल इट एज मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल हमारे पास हम देखेंगे ये चैप्टर में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंडक्टर, आई नो यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, आप सब इसको जानते हैं बट फिर भी एक बार अपन इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक बार दिमाग में आ जाना चाहिए, सामने से गुजर जाती है पिक्चर तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। नाउ फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर, थर्ड वन इज रेजिस्टर एंड फोर्थ वन इज कैपेसिटर। ये तो है नहीं, मतलब ये इस साल बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ तो एज यूजुअल लिखा मैंने, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इस साल आई, उसमें भी इंसुलेटर का वर्क तो है नहीं बिकॉज अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना पड़ रहा है, अपन ये तो पढ़ नहीं रहा कि क्यों फ्लो नहीं हो रही है क्या हो रहा है, वो तो अपने को लेना देना है। सो द कंडक्टर, कंडक्टर नंबर वन थिंग दैट इज विच कंडक्ट द करंट, मतलब जो करंट को अपने अंदर से जाने दे, मेनली ये उन्हीं मटेरियल्स में होता है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बाकी जितने भी मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि लिविंग बींग होते हैं उनके अंदर भी दे आर ऑल कंडक्टर, ठीक, तो उनके अंदर करंट फ्लो होता है, जिनके अंदर से करंट पास होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। नाउ सेकंड वन इंसुलेटर, इंसुलेटर मींस जो करंट को पास नहीं होने देता, मींस जो अपने अंदर से करंट को बिल्कुल ही पास नहीं होने देगा, करंट जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक, सूखा हुआ वुड हो गया, मतलब जो ड्राई वुड होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होता, ये जो चीजें हैं दैट इज इंसुलेटर, उसके अंदर कोई भी करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता। नाउ व्हाट इज रेजिस्टर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई बच्चों को लगता है रेजिस्टर मींस कि भाई जो करंट को रोक लेता है, ऐसा नहीं है, रेजिस्टर वो नहीं है जो करंट को रोकता है, रेजिस्टर वो है जो करंट या वोल्टेज दोनों में से, करंट मींस आई वोल्टेज मींस वी, इन दोनों में से किसी की वैल्यू कम कर दे, मतलब उसके अंदर जा रहा है ना करंट, तो उसके बाद जब आगे जाएगा तो या तो करंट की या तो वोल्टेज की, या तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा या तो करंट कम होगा, थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट है दे ऑल आर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, एक तरीके का रेजिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितना करंट जाता है उसकी वैल्यू वहां घटती है, इसलिए हम देखें जितने भी अप्लायंसेस है वी नेवर कनेक्टेड इन सीरीज, वी ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, अब वो चीज मैं आगे समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल इतना समझिए कि रजिस्टर वो चीज है जो करंट को कंज्यूम करता है और उसको किसी दूसरे वे में आपको एनर्जी कन्वर्ट करके देता है। ऑब्वियस बात है कि अगर करंट किसी चीज में कंज्यूम हो रहा है और उसकी एनर्जी बदल रही है, जैसे आपने करंट दिया फैन को, फॉर एग्जांपल फैन आपने करंट दिया, उसे करंट कंज्यूम किया एंड दैट करंट इज कन्वर्टेड इनटू विंड, दैट मींस दैट करंट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसने रोटेट करना स्टार्ट किया और उससे आपको हवा मिली। सो दैट करंट जो उसके अंदर गया अब उससे आगे जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि या तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस या तो उसका वैल्यू ऑफ करंट दोनों में से कुछ ना कुछ कम होना है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टर। अब एक छोटा सा वायर ही क्यों ना लेके, वायर में आपने ए पॉइंट पर करंट दिया, बी पॉइंट तक जाते जाते कुछ ना कुछ करंट की या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने के लिए उसको एक एनर्जी लग रही है, हमने भी पढ़ा कि वर्क डन लग रहा है, तो वो वर्क डन कहाँ से हो रहा है, चार्ज खुद कर रहा है। अब चार्ज यहाँ पे जितना था वो ऑब्वियस बात है यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उस चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, चलने में कम हो गई, घट गई, जो ये करेगा दैट मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टर।
व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर आप सब जानते हैं, वर्ड आपने नहीं सुना बट आप सब जानते हैं. सॉरी, रेजिस्टर को याद रखने का एक तरीका बता दूं. रेजिस्टर, रेजिस्ट कर रहा है मतलब रोक रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यू घटा रहा है. ठीक. कैपेसिटर कैपेसिट कर रहा है मतलब अपने अंदर बढ़ा रहा है. तो कैपेसिटर क्या है? एक तरीके का स्टोरेज है जिसके अंदर करंट हम कुछ देखे, करंट रुक नहीं सकता, हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते. जैसे बैटरी हो गई, सेल्स हो गए, मोबाइल बैटरी हो गई. ठीक. बड़े बड़े कंपनीज में बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बैटरीज लगे होते हैं. ठीक. जिसके अंदर करंट जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, थोड़ी देर के लिए होल्ड होता है. आप उसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते. देखिए, फॉर एग्जांपल समझिए, आपका मोबाइल आप 10-15 दिन चार्ज नहीं करें, ऐसे ही रखे रखे तो भी उसकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है. बिकॉज यू कैन नॉट होल्ड इट. ज़्यादा लंबे समय तक आप होल्ड नहीं कर सकते, वो उसे फ्लो होना ही है, वो फ्लो होगा ही होगा. सो कैपेसिटर इज अ मटेरियल या इज अ इक्विपमेंट जिसके अंदर करंट को हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसकी वैल्यू को अपने पास रख सकते हैं. सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ मटेरियल जो हमें इस साल यूज होंगे. ये तो कैपेसिटर नहीं हो रहा बट फिर भी मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, तो दैट मीन्स मैंने करा दिया. सो दिस इज थ्री टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर. अगला टॉपिक अपन अगले लेक्चर में लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता, दैट इज सम प्रॉब्लम. सो अगले टॉपिक में अपन ओम्स लॉ पे जाएंगे डायरेक्टली. ये पिछला कुछ जो टैब स्टूडेंट्स है, दिस अ रिकैप फॉर देम, इतना अपना क्लास में भी हुआ था. सो होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट, आप लोगों को अच्छा लगा होगा. जो भी क्वेरीज होगी यू कैन डायरेक्टली आप सुन, नो प्रॉब्लम ऑन कॉलिंग. आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इट्स नो इशू, एनी टाइम एनी वेयर. थैंक यू, हैव अ गुड डे.